हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, लर्न मोर या फिर अपील की प्रॉब्लम आ रही है, जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर रहे हो, तो कैसे आप अपने उस इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, उसे रिकवर कर सकते हो। अगर आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो गया है, तो ये बेहद आसान है उसे रिकवर करना। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सेक्सुअल कंटेंट की वजह से डिसेबल नहीं हुआ है, तो आप उस अकाउंट को बेहद आसानी से रिकवर कर सकते हो। सिर्फ 2-3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इसे लेकर काफ़ी सारे DMs मेरे पास आते हैं कि उनका अकाउंट पर लर्न मोर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा हो, या फिर उनके सामने कुछ अपील का प्रॉब्लम आता है, जैसे वो लॉगिन करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके अकाउंट का जैसे लॉगिन कर रहे होगे तो यहाँ पे लिखता होगा कि टेम्पररी डिसेबल्ड है, ट्राई अगेन लेटर के लिए बोल रहा हो। तो ऐसे में आपने 2-3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिससे कि आपका अकाउंट डिसेबल से अनडिसेबल हो जाएगा, मतलब कि रिकवर हो जाएगा अगर उसे डिसेबल कर दिया गया है टेम्पररी तौर पर या फिर परमानेंटली। तो उसे रिकवर करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो कि आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, और उसे ही आपने सिर्फ फॉलो करना है। अगर इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया गया होगा इंस्टाग्राम की तरफ से परमानेंटली, तो उसका जो प्रोसेस है वो अलग है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन अगर आपका इंस्टाग्राम डिसेबल्ड हुआ है सिर्फ, तो आपने ये प्रोसेस को फॉलो करना है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन के सामने दिखेगा। देखो, अगर आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हुआ है, तो ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आप गूगल क्रोम में जाओगे और यहाँ पर आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम डिसेबल माई अकाउंट। सिर्फ आपने ये सर्च करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ आपको ये सर्च करोगे गूगल क्रोम में जाकर, और ये आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 फॉर्म्स है जो कि फिलअप करने हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हुआ है, डिलीट नहीं बता रहा हूँ मैं, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ है तो उसका प्रोसेस अलग है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग मेरे पास DM करते हैं जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया हुआ होता है, और वो डिसेबल्ड इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवरी का प्रोसेस होता है वो फॉलो करते हैं, तो उनका अकाउंट कभी रिकवर नहीं होता है। तो आप देखो, अगर डिलीट हुआ है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, मैं पहले बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, और एक और वीडियो मैं लाऊंगा जो कि लेटेस्ट प्रोसेस है, वो मैं उसमें बताऊंगा। यहाँ पर आप देखो, अगर डिसेबल आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, तो आपके सामने यहाँ पर ये 3 फॉर्म्स आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। पहला है ये वाला फॉर्म आपने फिलअप करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद ये सेकंड फॉर्म है, इसी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ये इन तीनों फॉर्म्स का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसे 1 by 1 आपने फिलअप करना है अगर आप सर्च ना करना चाहो तो। अब देखो, जैसे फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करोगे, तो फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई वो फॉर्म को फाइंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक विजिट दिस पेज का एक ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो विजिट दिस पेज का ऑप्शन मिलता है, और इस पर ही आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका अकाउंट अगर डिसेबल्ड हुआ है, तो आपने नीचे से सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, माय अकाउंट वाज डिसेबल्ड, इस वाले ऑप्शन पर ही आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिखते हैं। पहला है माई अकाउंट डजेंट फॉलो इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस, दूसरा है माई अकाउंट वाज हैकड एंड दे डिसेबल्ड माई अकाउंट, एंड तीसरा है आई डिसेबल्ड माई सेल्फ अकाउंट, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने आपका अकाउंट डिसेबल किया था, तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करना, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। बहुत सिंपल है, जैसे आप नेक्स्ट करोगे बस आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से ये वाला पेज मिलेगा, और यहाँ पर आपको अब आना है नीचे वाज दिस यूजफुल, ये वाले ऑप्शन पे आके आपको नो करना है, उसके बाद दिस सॉल्यूशन डजंट वर्क, ठीक है, इस वाले पे टिक करना, और यहाँ पर जो आपको लिखना है भाई साहब, यहाँ पे जो लिखना है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे कुछ लिखते ही नहीं है, सही तरीके से नहीं लिखते, सिर्फ अपना यूज़र नेम दे देते हैं और बोलते हैं भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो गया। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है, आपने पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है, सही तरीके से लिखना है, सही तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आपका अकाउंट कैसे डिसेबल हुआ, क्यों डिसेबल हुआ, और कब से डिसेबल है, ये सारे चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, विथ यूज़र नेम, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर के, ये सारी चीज़ मैं वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे समझ कर लिख सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपने ये करनी है, यहाँ पर से आप करोगे, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं, हम लोग दूसरे लिंक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो दूसरा लिंक है, माई इंस्टाग्राम अकाउंट वॉज डीएक्टिवेटेड,
इस वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा आई अंडरस्टैंड एंड दिस शुड कंटिन्यू, ठीक है, इस पर आपने टिक करना। इसके बाद फॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने लिखना है, पहले आपने देना है नाम लिखना है, फुल नेम लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर यूज़र नेम नहीं देना है, आपने फुल नेम लिखना है जो कि आपका इंस्टाग्राम पर फुल नेम होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस देना है, इशू आपको लिखना है कि इशू क्या हो रहा था, आप लिख सकते हो कि भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर भी जो एक्सप्लेन करना है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसे कॉपी पेस्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आप अटैचमेंट लगा देना, ठीक है। यहाँ पर अटैचमेंट आप क्या दोगे, आपको अपनी आईडी प्रूफ जो है वो अटैचमेंट देनी है। अब आईडी प्रूफ क्या होता है, आईडी प्रूफ आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी प्रूफ की बात नहीं हो रही, आपकी आईडी प्रूफ की बात हो रही है आपकी गवर्नमेंटल आईडी प्रूफ, ठीक है। तो वो आईडी प्रूफ यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको इस वाले पे टिक करना और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में आपको अपना फुल नेम लिखना है, जो भी आपका जो गवर्नमेंटल आईडी होगा उसमें जो फुल नेम होगा। जैसे मान लो गवर्नमेंटल आईडी में आपका रवि कुमार सिंह है, तो आपने पूरा रवि कुमार सिंह लिखना है, ठीक है। ये आपने इस तरीके से लिखना है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में। इसके बाद उसे भी आपने सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद तीसरा फॉर्म जो है उस पर आपने क्लिक करना है। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरे वाले पर भी आपको यहाँ पे लिख, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, डू यू हैव ए वैलिड गवर्नमेंटल इशू फोटो आईडी, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे फोटो आईडी दिया है तो आपने यहाँ पर यस ही करना है, ठीक है। यस करोगे और यहाँ भी सेम चीज़ें आपने लिखनी है। पहले है फुल नेम लिखना, यूज़र नेम देना है इंस्टाग्राम का, ईमेल एड्रेस देना, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस देना है, आपको कंट्री देना है कि कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ यहाँ भी अटैचमेंट देनी है, और आईडी प्रूफ जो आप यहाँ पे अटैचमेंट दोगे वो भी आपको पीडीएफ में ही देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंटल आईडी जो होगी वो आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा दोगे, गवर्नमेंटल आईडी प्रूफ जो कि जिसमें आपकी फ़ोटो हो और क्लियर फोटो हो। उसके बाद आई अंडरस्टैंड दिस टू कंटिन्यू पे आप यहाँ पे टिक करोगे और उसके बाद आप सेंड कर दोगे। ये तीन फॉर्म है दोस्तों, आप इन तीनों फॉर्म्स को फिलअप करो। इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा और इन तीनों में क्या क्या आपको लिखना है वो सारा चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे फिलअप करो। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट 110% रिकवर हो जाएगा, अगर वो सेक्सुअल कंटेंट की वजह से डिसेबल ना हुआ हो तो। ये मैं बार बार आपको ये चीज़ें वार्न कर रहा हूँ, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ है या फिर सेक्सुअल कंटेंट की वजह से डिसेबल हुआ है तो आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा। अगर आपका बाय मिस्टेकली इंस्टाग्राम ने आपके अकाउंट को डिसेबल किया है तो इन तीनों फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट 110% रिकवर हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।